Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. ये जो लोग आजकल पत्र लिख रहे हैं या दिखावटी काम कर रहे हैं, देखिए ये जो चिट्ठी पत्र या जो आरक्षण के पक्ष में आज बोल रहे हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बचाते हैं। एनडीए में अब एक नया ही घमासान शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्री बनाई गई अनुप्रिया पटेल के तेवर कड़क है। वहीं अनुप्रिया पटेल के नाम पर तब हंगामा शुरू हो गया जब उन्होंने एससी एसटी की नियुक्तियों को लेकर सीएम योगी को एक पत्र लिख दिया और पत्र में कई सवाल खड़े कर दिए। अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार की इंटरव्यू वाली नियुक्तियों को लेकर बड़े और गंभीर सवाल उठाए थे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर बड़ा गंभीर मुद्दा उठाते हुए कहा था कि प्रदेश सरकार की इंटरव्यू वाली नियुक्तियों में ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को ये कहकर छांट दिया जाता है कि वो योग्य नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने पत्र में साफ कहा था कि नॉट फाउंड सुटेबल कहकर नियुक्तियों से एससी एसटी ओबीसी को रोका जा रहा है, बाद में इन पदों को अनारक्षित घोषित कर दिया जा रहा है, जिस पर योगी सरकार की तरफ से जवाब भी आया। लेकिन अब जब इस लेटर को लेकर अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने तो सीधे अनुप्रिया पटेल को ही लपेट लिया। आरक्षण और अनुप्रिया पटेल के लेटर को लेकर हुए सवाल पर अखिलेश ने बमक कर कहा कि जब से बीजेपी सरकार में आई है तब से ही उनके फैसले में आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ है, पीडीए परिवार के साथ भेदभाव हुआ है। पत्र लिखने वाले दिखावटी काम कर रहे हैं, ये भाजपा को बचाना चाहते हैं क्योंकि जागरूक जनता उनके खिलाफ मतदान कर रही है। इसी के साथ अखिलेश यादव ने तो उल्टा कई सवाल ही खड़े कर दिए, सुनिए आप भी। जब से दिल्ली और यूपी की सरकार में आए हैं, मैं यूं कहूं कि पीडीए परिवार के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जो समाज, जो बहुजन समाज, जो पीडीए परिवार, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, आदि आबादी हो, पिछड़े हो, दलित हो या अन्य जातियां जिनको आरक्षण से सम्मान का जीवन जीने का मौका मिलता था, उस आरक्षण के साथ लगातार सरकार खिलवाड़ कर रही है। जहां तक पिछले चुनाव में एक कदम बढ़कर के हम सभी लोगों ने मांग की कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, यही हमारा संविधान कहता है और यही मूल भावना थी मंडल कमीशन की, यही बाबा साहब चाहते थे, यही डॉक्टर रामलाल लोहिया चाहते थे, यही नेताजी का रास्ता रहा। ये जो लोग आजकल पत्र लिख रहे हैं या दिखावटी काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को बचाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये रखवाली करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें महसूस हो गया है कि इधर जागरूक जनता इनके खिलाफ मतदान कर रही है। पहला सवाल यह है कि यही लोग आरक्षण को लेकर के जो आज चिंता व्यक्त कर रहे हैं, लेटरल एंट्री हुई थी तब कहां थे? वाइस चांसलर जो अपॉइंट हुए दिल्ली से और उत्तर प्रदेश से, जो वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं उसमें कहीं पीडीए परिवार के लोग आपको नहीं दिखाई देंगे। दिल्ली की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें पीडीए परिवार के लोग कहीं नहीं दिखाई देंगे। जो दिल्ली की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अगर हम उसके नौकरी के आंकड़े निकालें तो वहां पर पीडीए परिवार के आज तक जब से यूनिवर्सिटी बनी है और आज तक 15% भी पीडीए परिवार नहीं है और यही हालत बीएचयू यूनिवर्सिटी की है जहां से प्रधानमंत्री चुन करके जाते हैं। तो अनुप्रिया पटेल के लेटर ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नया ही मुद्दा दे दिया है बहस का। फिलहाल अब देखना होगा कि क्या अनुप्रिया पटेल या फिर उनकी पार्टी का कोई जवाब आता है अखिलेश के इस तंज पर या फिर नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।